दोस्तों ये तो आप सभी जान ही गए होंगे कि ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और दोस्तों इस हमले को अंजाम दिया है इसराइल ने। और दोस्तों ये हमला इतना बड़ा हमला था जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि 14 घंटे लग गए ईरान को ये पता लगाने में कि असल नुकसान कितना हुआ है। दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान पर हुए इस हमले में इसराइल ने कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई है, क्योंकि ईरान में मौजूद जितने भी सेंट्रीफ्यूज थे, इसके अलावा जो पावर हाउस थे, वो तो पूरी तरीके से तबाह हो ही गए। ऐसे में ईरान को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है और ईरान की सालों की मेहनत बुरे तरीके से तबाह हो चुकी है। ऐसे में ईरान अब इस समय पूरा बिलबिलाया हुआ है। तो दोस्तों सवाल अब ये उठता है कि क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, और दोस्तों ईरान क्या जवाबी कार्रवाई कर सकता है, और क्या इस हमले के बाद ईरान और इसराइल के बीच एक युद्ध छिड़ सकता है, वो भी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो आपको बता दें कि इसराइल के द्वारा किया गया ये हमला रात में अंजाम दिया गया, और इस हमले के बाद 14 से 15 घंटों तक ईरान यही सोचता रहा कि उसे नुकसान कितना हुआ है। और जब रिपोर्ट सामने आई, उसने साफ कर दिया कि हमला वाकई में बहुत बड़ा था। भले ही ये एक साइबर हमला था, लेकिन हमले के बाद का जो दृश्य था, उससे ये लग रहा था कि यहाँ पर किसी ने भारी बमबारी की हो। और दोस्तों ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जो ये साइबर हमला किया गया, उससे सेंट्रीफ्यूज पावर लाइंस को भारी नुकसान हुआ है, और उसके परिणाम स्वरूप जो पूरा नतांज प्लांट था, वहां पर ब्लैकआउट हो गया, लाइट चली गई, जिसकी वजह से न्यूक्लियर यूरेनियम को ठंडा करने वाले जो उपकरण होते हैं, वो भी ठंडे पड़ गए, जिससे सेंट्रीफ्यूज का तापमान चरम पर पहुंच गया और फिर उसमें जोरदार ब्लास्ट होना शुरू हो गया। अब इससे नुकसान कितना हुआ है वो भी दोस्तों आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों ईरान की 10 साल की जो कड़ी मेहनत थी, जो रिसर्च थी उस प्लांट को बनाने की, वो तबाह हो चुकी है। इसके अलावा ईरान आज उस स्थिति में है कि अगर उसे फिर से इस प्लांट को चालू करना है तो उसे 9 महीने का समय लगेगा दोबारा से सेंट्रीफ्यूज को बनाने में और फिर यूरेनियम की शुद्धता पर काम करना शुरू कर पाएगा। हालांकि दोस्तों इन सब में एक और चीज निकल कर सामने आ रही है। हालांकि ईरान ने अभी तक इस बात को स्वीकारा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस ब्लास्ट की वजह से भारी मात्रा में जो वहां पर वैज्ञानिक काम कर रहे थे, जो वर्कर काम कर रहे थे, उनकी भी मौत हुई है या फिर वो घायल हुए हैं। लेकिन दोस्तों एक बात सबकी समझ से परे है कि ईरान के इस नतांज प्लांट पर लगातार हमले होते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2020 में भी साइबर हमला इस प्लांट पर हो चुका है। इससे पहले 2010 में भी इसी प्लांट को निशाना बनाया गया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान इस प्लांट की सुरक्षा का इंतजाम अभी तक नहीं कर पाया है, जबकि ईरान को पता है कि बार बार उसके इसी प्लांट को निशाने पर लिया जाता है। दोस्तों इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, या तो ईरान इतना नकारा है वो अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर पाया, या फिर इसराइल इतना स्मार्ट है कि वो हर सुरक्षा को भेद देता है। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों अगर बात करें कि ईरान का इन सब पर क्या रिएक्शन है, तो ईरान ने इसे अभी तक सिर्फ एक न्यूक्लियर टेररिज्म बताया है और इसके लिए इसराइल को ही जिम्मेदार माना है। इसराइल के मीडिया ने भी इसे मानकर चला है कि ये मुजाद ने ही अंजाम दिया है। ईरान ने ये भी कहा कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। दोस्तों कैसा बदला हो सकता है, अब ये आप जरूर सोच रहे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोई बड़ा बदला लेने की स्थिति में ईरान आज की तारीख में नहीं है। ईरान को भी पता है कि उसने साइन कर दी है पश्चिमी देशों के साथ एक न्यूक्लियर डील। ऐसे में अगर उसने कुछ भी ज्यादा एग्रेसिव वाली कार्रवाई की, तो उसकी ये न्यूक्लियर डील खटाई में पड़ जाएगी। अमेरिका से बनी बनाई बात भी खतरे में आ जाएगी। इसलिए दोस्तों ईरान कोई बड़ा बदला तो नहीं लेगा, लेकिन ये हो सकता है कि जो गाजा पट्टी है, इसके अलावा जो फिलिस्तीन इलाके हैं, वहां से कुछ रॉकेट वगैरह दाग दिए जाए। बस इतना ही कुछ हो सकता है। खैर दोस्तों इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।